यहाँ पे एम लिख लिया सबने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टू एनालाइज गिवन कंपाउंड फॉर ए फंक्शनल ग्रुप, अपरेटस टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर, बर्नर, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, ड्रॉपर, हैंड ग्लव्स, वायर गाज, वायर गाज जरूर लिखेगा भाई, वायर गाज। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, ओके। सबसे पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। प्लेस्ड ए ड्रॉप ऑफ, प्लेस्ड ए ड्रॉप ऑफ गिवन लिक्विड ओके ऑन ए मॉइस्ट लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे? एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, ब्लू यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ओके बेटा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। अब चलते हैं सेकेंड टेस्ट की तरफ। नोट कर लिया? हैव यू नोटेड? ओके, नेक्स्ट। फिर से कॉलम बनाए, कॉलम तो बना ही होगा सबका, हमारा कॉलम खत्म हो गया तो हम इसको फिर से बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर, अब यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर टू टेकन 1 ml ऑफ गिवन कंपाउंड, टेकन 1 ml ऑफ गिवन कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड 3 ml ऑफ डायल्यूट HCl, नो टेस्ट ट्यूब एंड एडेड पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ओके। तो यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफरवेसेंस, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मीन्स की कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट
प्रेजेंट। ओके थर्ड, थर्ड इसके बाद अब थर्ड टेस्ट पे आ जाते हैं, स्टेट टेस्ट। ठीक है, हैव यू रिटन दिस वन सेकंड टेस्ट? वंस अगेन आई विल रिपीट, टेकन 1 ml ऑफ गिवन कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड ए पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑब्जर्वेशन, ब्रिज कीपर विशेष कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड, टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके हैव यू रिटन इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब? And added 1 ml of ethyl alcohol and added 1 ml of ethyl alcohol and 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid, 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. Have you written? Into it, full stop, heated the reaction mixture on a water bath. ओके हीटेड इन वाटर बाथ, हैव यू रिटन? वंस अगेन आई विल रिपीट, टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड एडेड 1 ml ऑफ एथिल अल्कोहल एंड 1 to 2 drop कंसेंट्रेटेड H2SO4 देन हीटेड इन वाटर बाथ। क्या होगा? फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। अब इसके बाद एस्टर फॉर्मेशन हो गया, वहां पे नेक्स्ट लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म। एनी डाउट? तो वाटर पार्ट वाला नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे हीटेड द रिएक्शन मिक्सचर इन अ वाटर बाथ फॉर अबाउट 5 मिनट। हैव यू रिटन? उसके बाद जो लाइन है वो पोर द मिक्सचर इनटू अ बीकर कंटेनिंग। हाँ यस 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 यू राइट, देन लिख देंगे। वैसे भी आ जाती है, स्मेल आ जाती है वहीं पे, जब हीट करते तभी स्मेल निकलने लगती है। नेक्स्ट इसमें तब लिख लेना पोर द मिक्सचर इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर फ्रूटी स्मेल, ऑब्जर्वेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, कंफर्म लिख देना कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्फर्म। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, अब इस प्रैक्टिकल को हैव यू रिटन रिजल्ट, नाउ राइट द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट द गिवन कंपाउंड, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड कंटेन कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज एसिटिक एसिड, फार्मूला CH3COOH। स्ट्रक्चर अगर बोला तो CH3C OH। ओके, प्रिकॉशन वही लिखना है। वंस अगेन आई विल रिपीट द रिजल्ट। द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज एसिटिक एसिड, फार्मूला CH3COOH। एंड स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो CH3COOH। ओके, हैव यू रिटेन? ओके, यस सर। ओके, प्रिकॉशन इज सेम। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर फॉर होल्डिंग टेस्ट ट्यूब। एंड नेक्स्ट, यूज रिएजेंट बॉटल एंड एसिड बॉटल विद हैंडल विद केयर। ऑलवेज यूज हैंड ग्लव्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ यू विल सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द डिफरेंट ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई डस पीजी जॉक्शन, व्हाई डस पीजी जॉक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, ऐसा क्यों होता है कि पीजी जॉक्शन जो है डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे? टू थाउजेंड 17 का क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है? एनीवन? नहीं आ रहा है एनी वन? सब लोग सो गए हो ना? एम आई ऑडिबल? यस सर। देन व्हाई नॉट आंसरिंग? इफ आई एम ऑडिबल देन व्हाई डू यू नॉट गिव आंसर? तो क्यों जो है फिजीज ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता जाता है, उसका कारण है कि सर पार्टिकल मैग्नेट
देखा था वीक वंडर वाल फोर्स यहाँ पे था, यहाँ किसी ऑप्शन में वीक वंडर वाल फोर्स होता है। और ये वीक वंडर वाल फोर्स जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के कम हो जाता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्ब वेट प्लस एब्जॉर्बेंट गिव्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्लस एनर्जी। अब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फिजिक्स ऑप्शन के केस में। यहाँ पे अगर हीट ऑलरेडी निकल रही है और टेम्परेचर हम और बढ़ाए जा रहे हैं तो ये लीक चिटेरियल के हिसाब से उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जाने से इसका एक्स्ट्रा टेम्परेचर कंज्यूम होता है। तो ऐसे में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर देगा और एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा। तो इस वीक वंडर वाल फोर्स के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट दोनों अलग हो जाते हैं। इसी वजह से जो है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिक्स ऑप्शन कम होता जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ओके, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिकल ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिकल ऑप्शन। क्या डिफरेंस है केमिकल ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन, तो चलिए देख लेते हैं। इधर हम देते हैं फिजिक्स ऑप्शन और इधर भी देखते हैं केमिकल ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन में क्या होता है? एक तो अभी हमने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन है वो रिवर्सिबल है। इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, और इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, हियर इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये और भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन, ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन में
यहाँ पे देखा जाए तो ये लो हीट है, यहाँ पे लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई एच आई बी हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक, और जो हमारा केमिकल ऑप्शन है ये स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के ऊपर ही काम करेगा, ये नहीं कि हर कैटलिस्ट के ऊपर ये काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट जॉइंट टुगेदर बाई टुगेदर बाई वीक वंडर वाल फोर्स, वीक वंडर वाल फोर्स, वीक वंडर वाल फोर्स। इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। अब जहाँ केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो टूटना उसका मुश्किल है, फिर वही चीज़ हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, जितना याद रख सको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ओ ई लिखा हुआ है, गिव रीजन वाई वाई, गिव रीजन वाई इफ फाइनली डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड why if finally divided substance substance is more effective is more effective is more effective as an adsorption as an adsorption, okay। क्यों जो है कि यहाँ पे रीजन देना है कि फाइनली डिवाइडेड, तो भाई सीधी सी बात है कि फाइनली डिवाइडेड अगर कैटलिस्ट है, फाइनली डिवाइडेड अगर कैटलिस्ट है तो वो कैटलिस्ट क्या होगा, अगर फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेरी गुड, तो इंक्रीज सरफेस ड्यू टू हाई या लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया।
वेरी गुड बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नेक्स्ट डिस्क्राइब फ्रॉम विच describe front ridge FRENDLICH front ridge adsorption ridge adsorption isotherm, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सो वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। नो नो नो, जब हम आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेंपरेचर वेरी गुड, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन x by m, ये amount of adsorbent है और ये adsorbate है, between x by m and pressure, और pressure के बीच में, ठीक है, at constant temperature, तो हम एक यहाँ पे रिलेशन निकाल लेते हैं x by m और यहाँ पे p ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलता है कुछ कहीं कहीं पे इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है और एक जो है कि अगर हम लॉग के फॉर्म में लेते हैं x by m और यहाँ पे लॉग p लेते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, आगे बात समझ में। अब इस रिलेशन में फ्रेंडलिच को अगर डिस्क्राइब करना है, तो फ्रेंडलिच में सबसे पहले फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था और उसने बताया कि किस तरह से रिलेटेड होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे एक बार हम रीड कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर, द इंक्रीज इन इज हाउएवर नॉट प्रोपोर्शनेट बिकॉज लेस एज सोन इन द फिगर। यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे p और x by m के बीच में, तो ये हमें ग्राफ मिलता है, ये सैचुरेशन प्रेशर होता है जिसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होने पाता है, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड एब्जॉर्बेंट इज वेरियस प्रेशर गिवन बाय द एम्पेरिकल रिलेशन। अब यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया गया x by m equal to k p 1 by n, ओके okay?